हाय फ्रेंड्स, चाइनीज फूड लैब में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की बड़ी, जिसे मंगोड़ी भी कहते हैं, और पापड़ की सब्जी। बड़ी की सब्जी कई अलग अलग तरीकों से बनाई जाती है और इसे पापड़ के साथ भी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे घर पे तो ये सब्जी रेगुलरली बनती है और सब लोग चाव से खाते हैं। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए हमारी रेसिपी की ओर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले एक पैन में एक टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही इसमें डालेंगे आधे कप जितने मंगोड़ी यानी कि मूंग दाल की बड़ी, और इसे तेज आंच पर ही रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि थोड़ी क्रिस्पी नहीं हो जाती। लेकिन ध्यान रहे ये जल ना जाए, इसे चलाते रहिए। ये देखिए ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। मूंग दाल की बड़ी बाजार में इजीली अवेलेबल होती है। फिर उसी पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटा हुआ लहसुन, चुटकी भर हींग और 1 साबुत लाल मिर्च। फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटा सा आलू। आलू को मैंने पील नहीं किया है, आप चाहे तो पील कर सकते हैं। फिर इसे 3 से 5 मिनट रोस्ट करें। फिर इसके बाद हमारी रोस्टेड बड़ी ऐड कीजिए। अब डालेंगे मसाले, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 कप जितना पानी और पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आते ही गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि आलू अच्छी तरह से पक जाए। फिर एक बार आलू चेक कर लीजिए पक चुके हैं या नहीं। यहाँ देखिए हमारा आलू अभी भी कच्चा है, तो इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। फिर अब फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू प्रॉपरली कुक हो चुका है। अब इसमें पापड़ डालेंगे। मैं यहाँ पर 3 पापड़ ले रही हूँ। पापड़ डालने के बाद इसे सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही कुक करना है, लेकिन ध्यान रहे कि पापड़ सारा पानी पी लेगा, इसीलिए जब भी आप खाने बैठ रहे हो तो इसे आप थोड़ी देर पहले ही पापड़ डालकर फिर गरम करें, पहले से पापड़ डालकर ना रखें। मेरी जो सब्जी है इसमें मैं रसा ज़्यादा रखती हूँ, बट यूजुअली लोग इतना ही रखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इतना ही बताया है। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी तैयार है। धनिया के पत्ते से गार्निश कीजिए। तो है ना बहुत ही आसान, यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लिप स्मैकिंग सब्जी है। आप 2 रोटी खाते होंगे तो 4 रोटी खाएंगे, आई एम देम श्योर। तो देर किस बात की, जाइए बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।